कौन सी जगह? बात करने के लिए आए हैं गुलशन इकबाल खानपुर में। सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश और आबाद। कौन सी जगह? बात करने के लिए आए हैं गुलशन इकबाल खानपुर में। गुलशन इकबाल टाउन है ये, बहुत बड़ा टाउन है माशाल्लाह। हमारा पीछे इसी तरफ है ना घर, घर के पास ही है ना ये? हमारे घर के पास ही है, पैदल वॉक कर रहे हैं आज। पेट्रोल जो महंगा हो गया। चारों तरफ जो है टाउन बन चुके हैं यहाँ पे, बाकी थोड़ी सी जमीन यहाँ पड़ी हुई है खेती बाड़ी के लिए रखी हुई है, कुछ सब्जियाँ उगाते हैं, कमाद वगैरह भी है थोड़ा सा वहाँ पे, और गंदम भी उगाई हुई है यहाँ पे। बहुत बड़ा टाउन है माशाल्लाह। हमारा पीछे इसी तरफ है ना घर, घर के पास ही है ना ये? हमारे घर के पास ही है, पैदल वॉक कर रहे हैं आज। पेट्रोल जो महंगा हो गया। चारों तरफ जो है टाउन बन चुके हैं यहाँ पे, बाकी थोड़ी सी जमीन यहाँ पड़ी हुई है खेती बाड़ी के लिए रखी हुई है, कुछ सब्जियाँ उगाते हैं, कमाद वगैरह भी है थोड़ा सा वहाँ पे, और गंदम भी उगाई हुई है यहाँ पे। मकान बराए फरोख्त, बेगम थक गई है वॉक करते करते, पसीना आ गया, गर्मी लग रही है, शाम का टाइम है। चलो आज पैदल आए हैं यहाँ पे, घर से यहाँ तक वॉक करने के लिए आए हैं। इतनी भी दूर नहीं है घर? हाँ जी, वो सामने हमारा घर है, वो उस तरफ जो मकान नजर आ रहे हैं वो है जनार टाउन वहाँ पे, और ये है गुलशन इकबाल। कैसा फील हो रहा है वॉक करते हुए? बोला नहीं जा रहा, सांस फूला हुआ। कहते हैं वॉक करने से तबीयत ठीक हो जाती है, और आप कह रही हो कि बोला नहीं जा रहा, तो मोटापा भी तो है ना। ये सामने मदरसा है जी, फैजान मदीना खानपुर में सबसे बड़ा मदरसा। ये साथ में जो है ख्वाजा टाउन है, ख्वाजा टाउन का राउंड लगाने के लिए आए हैं समझो।